नमस्कार दोस्तों, क्लॉज 32 सब क्लॉज C। जी हाँ दोस्तों, टैक्स ऑडिट के फॉर्म 3CD के क्लॉज 32 सब क्लॉज C के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। ये आखिर क्लॉज है किसके बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लॉज है स्पेकुलेशन लॉसेस के बारे में। एज एन टैक्स ऑडिटर आपको किन बातों का ख्याल रखना है इस क्लॉज के अंदर, भाई हमें क्या चीज डालनी चाहिए, आखिर ये क्लॉज किस बारे में बात कर रहा है और उसका क्या लॉ प्रोविजंस क्या है उसके, वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com से। आप हमारे वहां पर 1000 से भी ज्यादा ब्लॉग्स हैं जो कि आप जाकर के पढ़ सकते हैं और नई नई जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्लॉज 32 C की। वेदर द SSC हैज इनकर्ड एनी स्पेकुलेशन लॉस रेफर टू इन सेक्शन 73 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो बेसिकली क्लॉज 32 C के अंदर हमें देनी होती है इंफॉर्मेशन स्पेकुलेशन लॉसेज की। हमें जवाब देना होता है कि भाई क्या SSC ने वो स्पेकुलेशन लॉस किया था। तो बेसिकली देखिए, इसके बारे में जवाब देने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्पेकुलेशन लॉस होता क्या है। तो चलिए इसको हम पूरा समझते हैं कि भाई आखिर ये है क्या। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भाई 32 C किसके बारे में बात कर रहा है, स्पेकुलेशन लॉस के बारे में। क्लॉज 32 C डील्स विद द असेसमेंट ऑफ स्पेकुलेशन लॉसेज इनकर्ड बाय द SSC ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फोकसिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब सेक्शन 73 क्या कहता है? सेक्शन 73 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट पर्टेन टू द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेकुलेशन लॉसेस। तो 73 कहता है स्पेकुलेशन लॉसेज का ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब डॉक्टर वाला ट्रीटमेंट ही है ये भैया, जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है ना कि लॉस हो गया उसको कैसे एडजस्ट करना है, वो सब बात 73 बोलता है। इट आउटलाइंस हाउ दीज लॉसेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट और गेन ऑफ अदर स्पेकुलेशन बिजनेस एंड इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैरी फॉरवर्ड सच लॉसेस। तो इसमें क्या है कि दो चीजें आती हैं। पहली आती है कि ये कहता है स्पेकुलेशन लॉसेज में कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट और गेन ऑफ अनदर स्पेकुलेशन बिजनेस, यानी कि अब आप यहीं से बात को समझिएगा कि स्पेकुलेशन बिजनेस का सेट ऑफ आपको कैसे करना है, और दूसरा ये कुछ इंपोज करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैरी फॉरवर्ड। चलिए क्या कहता है इसे भी समझ लेते हैं। सेटिंग ऑफ ऑफ द स्पेकुलेशन लॉसेज, सेक्शन 73(1) कहता है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सबसेक्शन एनी लॉस इनकर्ड, कोई भी इनकर्ड होता है लॉस इन रिलेशन टू द स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस से भी आपको कोई लॉस होता है, कैन नॉट बी सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब ये मत कहना कि सर सेट ऑफ होगा नहीं क्या, नहीं, होता है। अब एक बात समझिए, पूरा पढ़िए। स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम एक्सेप्ट द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अनदर स्पेकुलेशन बिजनेस। इन अदर वर्ड्स, स्पेकुलेशन लॉसेज कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन गेन, यानी स्पेकुलेशन लॉस यदि आपको कुछ होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेकुलेशन गेन से ही कवर हो सकता है। स्पेकुलेशन लॉसेज को आप अदर बिजनेस इनकम के साथ एडजस्ट नहीं करा सकते। स्पेकुलेशन लॉसेज के बारे में हमने एक वीडियो पूरी बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि स्पेकुलेशन लॉस क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताया था कि सपोज आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको अचानक कोई इनकम मिल जाए, जो आपका बिजनेस नहीं है लेकिन आपको अचानक मिल जाए, जैसे कि आप शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, आप सुबह खरीदते हैं शाम को बेचते हैं, मतलब आपको फायदा भी नुकसान भी कुछ भी हो सकता है, बस आपका धंधा नहीं है शेयर मार्केट में, बस आप खरीदते हो बेचते हो खरीदते हो बेचते हो ट्रेडिंग करते हो, तो वो स्पेकुलेशन लॉस में कवर होता है। अब सेक्शन 73(4) 73(4) क्या कहता है, दिस सबसेक्शन लिमिट्स द कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन लॉसेज। ये लिमिट करता है कैरी फॉरवर्ड लॉसेज को, कितना आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इट स्टेट दैट स्पेकुलेशन लॉसेज कैन ओनली बी कैरी फॉरवर्ड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 4 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच द लॉसेज वाज इनिशियली कंप्यूटेड। यानी कि आप कितने साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सिर्फ 4 साल तक। नॉर्मल बिजनेस इनकम में कहा कितने साल तक जाती है आपकी, 8 साल तक, लेकिन ये लेके जाता है सिर्फ और सिर्फ आपको 4 साल तक। सेक्शन 43(5) ये कहता है डेफिनेशन ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन आखिर होती क्या है।
दिस सेक्शन डिफाइन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस. स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस आर दोज इन्वॉल्विंग द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर. तो मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई जो शेयर का आप खरीद बेच करते हो, तो कमोडिटी की करो या आप शेयर की करते हो, स्टॉक्स की करते हो, तो वो जो खरीद बेच है वो आपकी स्पेकुलेशन में आती है. लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो नहीं आएगी ये, अगर आप ग्रेजुअली करते हो. और एनी अदर प्रॉपर्टी डेट इज सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और प्रॉपर्टी. हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो डेट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन सच एज फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड कमोडिटी डेरिवेटिव आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन. देखो एफ एंड ओ जो आती है ना वो बिजनेस लॉस के अंदर आती है. तो आपको जो आप ट्रेडिंग करते हो खासतौर पर इंट्राडे, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो इंट्राडे की बात करता है. रिपोर्टिंग डीम्ड स्पेकुलेशन लॉसेज. अब इसको क्या करना है, डीम्ड स्पेकुलेशन लॉसेज स्पेकुलेशन बिजनेस रेफर टू सर्टेन ट्रांजेक्शन डेट आर ट्रीटेड एज स्पेकुलेशन बिजनेस इवन इफ दे माइट नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन. लॉसेज फ्रॉम सच डीम्ड स्पेकुलेशन बिजनेस आर रिपोर्टेड क्लॉज सबसेक्शन 32E ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. तो अगर आपका स्पेकुलेशन बिजनेस नॉर्मल है तो आप कहां जा रहे थे 32C के अंदर. लेकिन अगर आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस डीम्ड स्पेकुलेशन बिजनेस है, जिसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं यहां पर उसे डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूं, तो आपको क्लॉज 32E के अंदर उसको शो करना होता है. तो अब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ इन समरी क्लॉज 32C इंक्वायर वेदर द सेसी हैज इनकर्ड एनी स्पेकुलेशन लॉसेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. भाई पहले तो देखना है कि कोई लॉसेज हुआ कि नहीं हुआ. इट रिक्वायर्ड द टैक्स ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर सच लॉसेज एग्जिस्ट एंड टू रिपोर्ट देम एक्यूरेटली इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. तो और से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉपरली दिखाना है, कहाँ दिखाना है, 32C के अंदर दिखाना है. स्पेकुलेशन लॉसेज आर सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, जो हमने आपसे ऊपर बात कर ली, उसके कैरी फॉरवर्ड के बारे में हमने बात कर ली है. तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हमें टैक्स ऑडिटर को पहले तो देखना है जो उसका जो लॉस हुआ है वो स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा. यदि कवर हो रहा है तो फिर आप उसे 32C के अंदर उसको रिपोर्ट करेंगे, उसके बारे में आप अपनी जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप जरूर लिखेंगे, और साथ ही देखेंगे कि भाई उसने जो कैरी फॉरवर्ड वगैरह किया है लॉसेज का वो सही तरीके से किया है या नहीं किया. तो दोस्तों ये थी जानकारी क्लॉज 32C की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की. आपको टैक्स ऑडिट्स के और भी बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, क्लॉज बाई क्लॉज मिलेंगी. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए. धन्यवाद.